कल मैं वीडियो बना रही थी तो बीच में ही मैंने छोड़ दिया वीडियो बनाना, क्योंकि कुछ था नहीं शूट करने के लिए। और मैंने सोचा कल को शूट करूँगी, यानी कि आज, जो कि कल कल थी और आज, ये आज हो गई है, मतलब समझ रहे हो ना आप। और आज जब मैं सुबह उठी तो मेरा सिर दर्द बहुत कर रहा था। मैंने दवाई भी ली है माइग्रेन की, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और सिर को अच्छे से ठीक करूँगी, फिर मैं काम पे लगूँगी। और मैंने कल की वीडियो नहीं की है एडिट, वो भी मैं आज एडिट करूँगी। मैंने सोचा था कि मैं कंसिस्टेंटली बनाऊँगी वीडियोस और पोस्ट करती रहूँगी, लेकिन एक दिन में ही मेरी कंसिस्टेंसी मेरी ख़राब हो गई और मैं नहीं अपलोड आज वीडियो कर पाई। अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं आज दिन में कभी भी अगर हो जाए एडिटिंग तो मैं आज अपलोड कर दूँगी। वीडियो तो एडिट कर ली है और थंबनेल के लिए फ़ोटो भी क्लिक कर ली है कल वाली वीडियो के लिए, जो कि मैं आज शाम को रिलीज़ करने वाली हूँ। ये रोटी बच गई थी, बची नहीं थी एक्चुअली, ये ख़राब बनी थी, थोड़ी सी सख्त बन गई थी, खाने के योग्य नहीं थी, तो इसलिए मैं अभी इसको बिन में नहीं फेंकूंगी, चिड़ियों को डाल दूंगी। रोटी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और यहाँ पे आके चिड़ियाँ खा लेंगी। मैं अभी एक बहुत बड़ी दुविधा में हूँ कि क्या ये दाल इसमें आ जाएगी या इसको इसमें डालूं। तो मैंने दाल को ही तड़के में डाल दिया और डालते वक्त दाल थोड़ी सी भाग रही थी तो वो नीचे गिर गई। ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है। मुझे कीवी बहुत पसंद है लेकिन उसके बीजों की वजह से, लेकिन इसमें आप देख सकते हो एक दो ही बीज हैं बस। इंडिया से आने से पहले मैंने अपनी अक्ल जड़े निकलवा दी थी, क्योंकि मुझसे इतनी अक्ल संभाली नहीं जा रही थी। मेरी चारों अक्ल जाड़े आई हुई हैं, उनमें से मैंने दो निकलवा दी थी क्योंकि मुझे आधी अक्ल की ज़रूरत थी, ज़्यादा अक्लमंद नहीं बनना मुझे। लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ हुआ आज कि शायद इस साइड वाली थोड़ी सी अक्ल जाड़ आ रही है, दोबारा से आ रही है शायद, पता नहीं क्या है ऊपर की, और शायद इसीलिए मेरा सिर दर्द कर रहा है। कल मेरा सिर बहुत दर्द किया इसलिए मैं आज सिर में मालिश करूंगी नारियल तेल के साथ। इसे पिघला रही हूँ और इस शीशी में डालूंगी। ये खाली शैम्पू की बोतल है क्योंकि ये बड़ा सा डब्बा बहुत दिक्कत देता है मुझे। शीशी भर लिया हमने नारियल तेल के साथ और ये गरम गरम नारियल तेल अब मैं सिर में लगाऊंगी। कंघी करके सारी गुलजे निकाल ली है मैंने, छोटे छोटे पोर्शन करके उसमें तेल लगा लूंगी, इससे पूरे बालों में अच्छे से तेल लग जाएगा। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे आप रोज़ खुद नहाते हैं अपने आप को साफ़ करते हैं, वैसे अपनी कंघी को भी साफ़ करना ही ज़रूरी है। आप कोई भी पुराना सिरकंडा सा टूथब्रश ले सकते हो जो आप यूज़ नहीं करते, उस पर आप हैंड वॉश या शैम्पू लगा के आप अपनी कंघी को अच्छे से डीप क्लीन करो, उसके सारे ब्रिशल्स अच्छे से साफ़ करो, फंसा हुआ तेल निकालो। इसके साथ आपकी जो बालों की हेल्थ है वो सही रहती है, बिल्कुल मेरे बालों की तरह घने घने हो जाएंगे। कभी भी बालों में डायरेक्ट शैम्पू लगा के अपने बालों की धजियां मत उड़ा लेना। हमेशा शैम्पू को हम पहले एक मग में निकालेंगे, जितना भी हमको चाहिए, और फिर हम उसको पानी के साथ डाइल्यूट कर लेंगे। इसको अच्छे से घोल लेंगे और इसके साथ हम सिर धोएंगे।